हेलो एवरीवन। लॉ ऑफ टॉट का आज का हमारा थर्ड टॉपिक है जनरल डिफेंसेस इन टॉट। इसमें क्या है, कुछ डिफेंसेस हैं जो कि एक डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है कोर्ट में ताकि वो टॉशियस लाइबिलिटी से बचे और उसे कंपनसेशन पे ना करना पड़े। तो जब भी प्लांटिव कोई एक्शन लाता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट में, तो डिफेंडेंट उस एक्शन के लिए लाइबल है, पर वो इस लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है अगर वो कुछ डिफेंसेस की प्ली ले ले, यानी कि वो कोई डिफेंस क्लेम करे कोर्ट में और अगर वो सर्कमस्टांसेस को मैच करता है तो उसे लाइबिलिटी कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ता। तो टॉट में जनरली 8 जनरल डिफेंसेस आते हैं, 8 एक्सक्यूजेस बहाने हैं डिफेंडेंट के पास बचने के लिए। पहला है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी और द डिफेंस ऑफ कंसेंट। नाम में ही कंसेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लैंटिफ का कंसेंट है हार्म सफर करने के लिए। तो जहाँ पे प्लैंटिफ वॉलंटरी हार्म सफर करता है तो वहां पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। सपोज करें आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो एक डेंजरस एक्टिविटी है, बिकॉज अगर ऑडियंस में कोई भी बाउंड्री सिक्स वगैरह मारेंगे तो ऑडियंस के किसी मेंबर को लग सकती है। फिर भी जो लोग मैच देखने आए हैं वो अपने कंसेंट से आए हैं और उन्हें इस हार्म के बारे में पता है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो अगर किसी ऑडियंस के मेंबर को लग गया तो वो प्लैंटिफ बन जाएगा और वो प्लैंटिफ पर डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने कंसेंट से आया है। सेकेंड है प्लैंटिफ द रॉन्ग डूअर। यहाँ जहाँ पे गलती ही प्लैंटिफ की होगी तो वहां पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। थर्ड है इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक ऐसा एक्सीडेंट जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता। फोर्थ है एक्ट ऑफ गॉड, कुछ ऐसा नेचुरल एक्ट हो गया जो कि कंट्रोल में नहीं था। प्राइवेट डिफेंस, प्रॉपर्टी या पर्सन को प्रोटेक्ट करते हुए कोई टॉर्ट कमिट हो गया। सिक्स्थ है मिस्टेक, की कोई गलती हो गई इसलिए ये डिफेंस है। सेवन्थ है नेसेसिटी, कोई बड़ा बड़ा हार्म होना था उसे आपने कम करने के लिए कोई छोटा हार्म किया। और लास्ट है स्टेच्यूटरी अथॉरिटी, कोई लॉ कोई आपको वैलिडेट करता है कि आप ये एक्ट करें तो वो आपके लिए एक डिफेंस होगा। तो जो फर्स्ट फोर हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लांटिव द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो बात के चाह रहे हैं वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब है टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन। तो जहां पे पर्सन कंसेंट करता है हार्म सफर करने के लिए तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं बचती। तो अगर प्लांटिफ ने अपना राइट वॉलेंट्री वेव ऑफ कर दिया तो वो उस राइट को बाद में इन्फोर्स नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। और ये जो कंसेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, पर कंसेंट होना जरूरी है और फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसमें एक लैंडमार्क केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग कंपनी। इस केस में जो प्लांटिफ था वो एक रेस शो देखने आया था और उधर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से एक रेसिंग कार के कुछ पार्ट्स प्लांटिफ पे गिरे और उसे इंजरी हो गई। इस केस में कोर्ट ने कहा कि प्लांटिफ यहाँ पे वॉलेंटरी आया था और ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये इनएविटेबल है, अवॉइड नहीं किया जा सकता और प्लांटिफ ने अपने कंसेंट से यहाँ पर आया था। तो इस केस में डिफेंडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती जो इंजरी हुई है। सेकेंड केस है पद्मावती वर्सेस दुगा नायका। इस केस में क्या हुआ कि दो लोग थे जिन्होंने एक जीप वाले से लिफ्ट मांगी। अब रास्ते में जो जीप थी वो खराब हो गई, उसके कुछ एंगल शाफ्ट था वो खराब हो गया, जिसकी वजह से जो दोनों लोग थे वो उछल के गाड़ी से बाहर गिरे, जिनमें से एक की डेथ हो गई। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये एक एक्सीडेंट है, एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है जिस जो किसी ने फोर्स ही नहीं किया था, और जो दो लोगों ने लिफ्ट ली उन्होंने अपनी कंसेंट से लिफ्ट ली, उन्हें किसी ने जबरदस्ती गाड़ी में नहीं बिठाया। तो इसलिए जो डिफेंस है डिफेंडेंट का वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर लाइक करता है, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। अब ये जो कंसेंट है ये फ्री होना चाहिए और फ्रॉड या कंपल्शन में नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी से ये कंसेंट नहीं लिया जाना चाहिए। और वही एक्ट करना है डिफेंडेंट को जिसके लिए कंसेंट दिया है। अगर कंसेंट एक्ट ए के लिए दिया और डिफेंडेंट एक्ट बी कमिट करता है तो उस केस में डिफेंडेंट लायबल बनेगा। इसमें केस है लक्ष्मी राजन वर्सेस मालर हॉस्पिटल लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, एक लेडी थी जिसको ब्रेस्ट में कुछ लम्प्स हो गए, उसने रिमूव करने सर्जरी के लिए रिमूव करना था तो उसने कंसेंट दिया रिमूवल के लिए, पर जो डॉक्टर था उसने उसका यूट्रस रिमूव कर लिया। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो लेडी ने कंसेंट दिया था वो खाली वो लम्प रिमूव करने के लिए दिया था। हॉस्पिटल में आप जो भी कंसेंट देते हैं वो स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए देते हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ट का ऑपरेशन है तो आप कंसेंट में लिखेंगे किडनी भी निकाल लेना, हार्ट भी निकाल लेना। तो यहाँ पे कंसेंट लंप रिमूव करने के लिए दिया था पर डॉक्टर ने यूट्रस रिमूव कर लिया। तो इस केस में जो डिफेंडेंट है वो लायबल बनेगा और वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस प्ली नहीं कर सकता। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में एक हमारे पास छोटी सी मैगजीम है सिंक्शिया नॉन फिट इंजुरिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई असेंट।
जहां पे प्लांटिव को खाली नॉलेज है रिस्क की, पर उसने अपना कंसेंट नहीं दिया, तो डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी एस्केप नहीं कर सकता। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी अप्लाई होने के लिए दो पॉइंट्स प्रूव होना काफी ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, द प्लांटिव न्यू द रिस्क एंड ही एग्रीड टू सफर द हार्म। तो प्लांटिव को नॉलेज भी था और प्लांटिव ने कंसेंट भी दिया, तभी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें हमारे पास केस है स्मिथ वर्सेस बेकर। इसमें जो प्लांटिव था वो एक वर्कमैन था जहाँ पे एक स्टोन कटिंग प्रोसेस चल रहा था, और वहां पे एक क्रेन थी जो कि स्टोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही थी और प्लांटिव के सिर के ऊपर से निकल रही थी। तो बीच में क्या हुआ, क्रेन में से कुछ पत्थर नीचे गिर गए। जो प्लांटिव के साथ के वर्कमैन थे वो भी नेग्लिजेंट थे प्लांटिव को इन्फॉर्म करने के लिए कि क्रेन से पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्लांटिव के सिर पे पत्थर गिरा और उसे इंजरी हो गई। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये जो इंजरी है ये नेग्लिजेंस की वजह से हुई है डिफेंडेंट की। यहाँ पे प्लांटिव को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर उसने हार्म्स सफर करने के लिए कोई कंसेंट नहीं दिया था। यहाँ पर उसने कंसेंट नहीं दिया था कि कोई सिर से पत्थर गिर गए तो उसकी गलती होगी, उसने ऐसा कोई कंसेंट नहीं दिया, उसको खाली नॉलेज था हार्म का। तो इस केस में डिफेंडेंट लायबल होगा। तो नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट अगर हो जाए तो वो वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया में अप्लाई नहीं होगा। एक और केस है हमारे पास स्लेटर वर्सेस क्ले क्रॉस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस केस में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था वो ट्रेन्स रन करते थे टनल्स के थ्रू। अब जो टनल्स थे वहां पे डिफेंडेंट को पता था कि लोग आते जाते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया था कि जब भी कोई ट्रेन टनल से जाएगी तो वो विसल करेगी और स्लो डाउन हो जाएगी। पर एक दिन जो प्लांटिव टनल से जा रहा था तो ट्रेन के ड्राइवर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो इस केस में कहा कोर्ट ने कि ये नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट है और इसलिए प्लांटिव को डैमेजेस मिलेंगे। अब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया की कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट वन है रेस्क्यू केसेस, किसी को बचाने के लिए, एंड सेकंड वन है बाय द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977। अभी जो सेकंड वाला है ये खाली इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल है, इंग्लैंड में एप्लीकेबल है, इंडिया में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो हम खाली रेस्क्यू केसेस वाला डिस्कस करेंगे। तो when the plaintiff voluntarily encounters a risk to rescue somebody from an imminent danger created by the wrongful act of the defendant, he cannot be met with the defense of voluntary non-fit injuria. तो जहाँ पे plaintiff voluntary risk लेता है, पर वो risk क्यों लेता है? क्योंकि एक ऐसा imminent danger create हो गया जिसकी वजह से किसी को harm हो सकता है, उस danger को prevent करने के लिए, और वो danger wrongful act of defendant की वजह से हुआ है। तो उस केस में जो defendant है वो voluntary non-fit injuria claim नहीं कर सकता। इसमें हमारे पास केस है हेन्स वर्सेस हार्वुड का। इस केस में क्या हुआ कि एक टू हॉर्सेस का वैन था, डिफेंडेंट के सर्वेंट ने उसे अनअटेंडेड छोड़ दिया और एक शरारती बच्चे ने उधर मार दिया पत्थर। हॉर्सेस थे वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए और वहां पे वो रोड की तरफ जाने लगे जहाँ पे लेडीज और बच्चे थे। तो एक पुलिस कॉन्स्टेबल जो ऑन ड्यूटी था उसने देखा और वो हॉर्सेस को रोकने चला गया। उसने हॉर्सेस को रोक भी लिया पर इसमें उसको काफी इंजरी सस्टेन करनी पड़ी। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस ऑफिसर का एक्ट था वो एक रेस्क्यू केस था, इसलिए जो डिफेंडेंट है उसे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा और वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं ले सकता। तो अब एक टर्म और आती है हमारे पास, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में काफी कन्फ्यूजन रहता है। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया है जहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसने कंसेंट दिया है हार्म सफर करने के लिए, जबकि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है यानी कि यहाँ पे क्या होता है प्लेंटिव का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, नेग्लिजेंस पे। यहाँ पे डिफेंडेंट भी नेग्लिजेंट है और प्लेंटिव भी नेग्लिजेंट है। दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया वो एक कंप्लीट डिफेंस है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में जो कंपनसेशन है वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज कर जाएगी जितना भी नेग्लिजेंस प्लेंटिव का रहा होगा। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में अगर नेग्लिजेंस ऑफ डिफेंडेंट है तो वो डिफेंस को डिसरिगार्ड कर देता है, खत्म कर देता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में दोनों का नेग्लिजेंस होता है, प्लेंटिव का भी डिफेंडेंट का भी। अब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया में प्लेंटिव को हमेशा पता होता है डेंजर के बारे में, पर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में जरूरी नहीं है कि प्लेंटिव को हमेशा डेंजर के बारे में पता हो। सेकेंड डिफेंस है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, यानी कि जहां पे गलती ही प्लेंटिव की है वहां पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो ये एक्स ट्रूपा कॉजी नॉन ऑडिटर एक्टिव मैक्सिम एक्सप्लेन करती है कि फ्रॉम एन इमोरल एक्शन From an immoral cause, no action arises. So, no court will aid a person who found his cause of action upon an immoral or illegal act. तो जहाँ पे कोई person illegal act कर रहा है और उसे कोई injury हो जाती है, तो court उसकी कोई help नहीं करेगी। मान ले एक चोर चोरी करने गया है घर में और चोरी करते करते कोई
पॉट उसके सिर पे गिर जाता है और उसे इंजरी हो जाती है, तो इस केस में वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता हाउस के ओनर से, क्योंकि उसका अपना एक्ट ही इमोरल और इलीगल था। पर खाली ये फैक्ट कि प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है उसे पूरी तरह से डिसएंटाइटल नहीं कर देता डैमेजेस क्लेम करने से। हाँ, अगर प्लेंटिफ का जो रॉन्ग एक्ट है वो कनेक्टेड है जो उसने हार्म सफर किया, तभी वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर प्लेंटिफ का एक्ट रॉन्ग है पर जो उसे हार्म सफर हुआ वो किसी और एक्ट की वजह से हुआ, कोई डिफरेंट ट्रांजेक्शन में हुआ, तो उस केस में वो जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसमें केस है हमारे पास बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का। तो इसमें क्या हुआ, एक पर्सन ने ट्रेसपास किया और जिसकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया वहां पे स्प्रिंग गन्स लगी थी जिसकी वजह से उसे इंजरी हो गई। पर जिस जहां पे जो घर था जहां पे उसने ट्रेसपास किया वहां पे उसने कोई नोटिस बोर्ड जो हाउस ओनर था नहीं लगाया था स्प्रिंग गन्स के बारे में। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो प्लेंटिफ है वो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए, क्योंकि जो उसे हार्म हुआ है स्प्रिंग गन से वो जो उसने एक्ट कमिट किया ट्रेसपास उससे काफी ज्यादा प्रोपोर्शनली देखें तो काफी ज्यादा बड़ा था, और उसमें डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस है कि उसने कोई बोर्ड भी नहीं लगाया वो स्प्रिंग गन्स के रिगार्डिंग। तो इसलिए यहाँ पे प्लेंटिफ की गलती थी पर जो उसे हार्म सफर हुआ वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन का पार्ट था, तो इसलिए डिफेंडेंट को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक ब्रिज है और यहाँ पे एक ट्रक है और यहाँ पे ब्रिज पे बोर्ड लगा है कि नो ओवरलोडिंग, कि आप यहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, और एक ट्रक वाला फिर भी ओवरलोडिंग करके ब्रिज से जाता है और ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, तो उस केस में जो डिफेंडेंट है जो ब्रिज अथॉरिटीज हैं वो लायबल नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे गलती प्लेंटिफ की है और जो हार्म सफर हुआ वो उसी की अपनी गलती से हुआ। थर्ड हमारे पास जो डिफेंस है वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब कि ऐसा एक्सीडेंट जो अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो एक रीजनेबल मैन फोर्स ही नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक्सीडेंट विच कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन और अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर, जहां पे रीजनेबल केयर लिया फिर भी वो फोर्स ही अवॉइड नहीं हो सकता, तो वो होता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसमें एक लैंडमार्क केस है हमारे पास स्टैनली वर्सेस पॉमल। इस केस में क्या हुआ, एक शूटिंग पार्टी थी और एक पर्सन ने बुलेट फायर की जो कि टारगेट मिस कर गई, वो एक पेड़ से टकराई और पेड़ से टकरा के जो उसका पार्टनर था उसको रिबाउंड होके लगी और उसे इंजरीज हो गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, कोई भी ये सोच नहीं सकता कि एक बुलेट आप फायर करेंगे तो पेड़ से टकराएगी और पेड़ से टकराएगी तो रिबाउंड होगी और रिबाउंड होगी तो उसके साथ वाले आदमी को लग जाएगी, तो ये बिल्कुल ही एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है और डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। और एक और केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, नाइट्रोग्लिसरिन केस कहते हैं जिसे। इसमें क्या हुआ, जो डिफेंडेंट की कंपनी थी वो वुडन बॉक्सेस कैरी करती थी, कुरियर की कंपनी थी, तो वो एक बार एक बॉक्स कैरी कर रहे थे और उन्होंने डिटेक्ट किया कि बॉक्स में कुछ लीकेज है, तो उन्होंने वो बॉक्स को ओपन करके देखा पर उस बॉक्स में थी नाइट्रोग्लिसरीन, और जहां पे ओपन किया वहां पे हो गया बूम, धमाका हो गया नाइट्रोग्लिसरीन का और जो प्लेंटिफ की बिल्डिंग थी उसको डैमेज हो गया। यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, जो कुरियर कंपनी थी उसे नॉलेज ही नहीं था कि उसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन भी हो सकती है जिससे एक ब्लास्ट हो सकता है, तो इसलिए जो डिफेंडेंट है जो कुरियर कंपनी है वो लायबल नहीं होगी प्लेंटिफ को डैमेजेस के लिए। नेक्स्ट है जो कि इस वीडियो का लास्ट होगा, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड यानी कि एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, खाली अगर आप इनएविटेबल एक्सीडेंट में नेचुरल फोर्सेज ऐड कर दें तो वो बन जाता है एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा इनएविटेबल एक्सीडेंट है जो कि इसकी वजह से हुआ, नेचुरल कॉज की वजह से हुआ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है नेचुरल कॉज की वजह से हुआ जिसके लिए जहां पे रीजनेबल केयर लिया गया था। तो अगर इस डेफिनेशन को हम छांट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा सर्कमस्टांस है जो कि फोर्स ही नहीं किया जा सकता था और ये एक नेचुरल कॉज की वजह से हुआ। इसमें हमारे पास केस है निकोलस वर्सेस मासलैंड। इस केस में क्या हुआ, एक जो प्लेंटिफ था जो डिफेंडेंट था उसके एक आर्टिफिशियल लेक, अब एक बार वहां पे काफी ज्यादा बारिश हुई, बहुत ही ज्यादा बारिश, मतलब वहां की जो ह्यूमन हिस्ट्री थी उस जितनी उन्होंने रिकॉर्ड की थी उससे काफी ज्यादा बारिश हुई, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल हुआ जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल लेक था डिफेंडेंट का उसका एम्बैंकमेंट टूट गया और सारा पानी प्लेंटिफ के चार ब्रिजेस थे वहां पे बह गया, जिसकी वजह से उसके जो चार ब्रिजेस थे वो टूट गए। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एक एक्ट ऑफ गॉड है, ये कोई फोर्स ही नहीं कर सकता था कि कभी इतनी बारिश भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे डिफेंडेंट जो है जिसके आर्टिफिशियल लेक थी वो लायबल नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, तो बाकी के जो चार डिफेंसेस हैं वो हम अपकमिंग वीडियो में
डिस्कस करेंगे। थैंक यू।